लेकिन इस राष्ट्र के अंदर हिंदुस्तान का झंडा हिंदुस्तान की धरती पर लहराने के लिए आप उनको हटा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? आप सर्टिफिकेट आपको तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस राष्ट्र को, इस धरती माँ को जो सलाम करता है, उस लोगों को वहाँ पे आप जाने के लिए हटा रहे हैं। और जो विदेश के गीत गाते हैं, जो विदेश के गीत गाते हैं, किसी का विरोध नहीं है, आपको झंडा फहराने का किसी का विरोध नहीं है, लेकिन झंडा वहाँ पे वहाँ स्थानीय कार्यकर्ता फहरा रहे हैं, वहाँ के लोग फहरा रहे हैं, कश्मीरी लोग फहरा रहे हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि जाके कन्याकुमारी से जाकर के आप वहाँ पे झंडा फहराए, वहाँ के लोग कहीं पे भी कोई भी कहाँ पे भी, लेकिन टेंशन फैला के नहीं, अच्छे वातावरण फैलाइए, अच्छे वातावरण फहराइए वहाँ पे, टेंशन करके नहीं, झगड़ा करके नहीं। वहाँ पे आप नए सिरे से संविधान लिखिए, फिर आप नए सिरे से संविधान लिखिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो कंप्लीट है, उसको अभी किसी को और संविधान, तो फिर आप उसके अंदर छूट दी गई है, मानते हैं या नहीं? छूट दी गई है संविधान को, मानते हैं या नहीं? छूट दी गई है कि आप कहीं पे भी जाके देखो, लेकिन पूरे बीजेपी ने उठाया, कहीं ना कहीं बीजेपी ने उठाया, ये आप मानते हैं? और जाहिर है कि इस पूरे मामले पर अगर बीजेपी ने उठाया तो एक तरह से राजनीति तो चल ही रही है, और इस राजनीति का जो है नीतीश कुमार विरोध कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार क्यों विरोध कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको बिहार में सफलता मिली है, वो मान रहे हैं कि इस तरह के मुद्दों को हवा देना ठीक नहीं है, खासतौर पर उनके लिए। कुमार जी, आपको याद होगा इलेक्शन के दौरान नरेंद्र मोदी जी को भी आने से क्या होता है, बीजेपी में एक जो गुट है वो सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी करना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है। नीतीश कुमार ने साफ तौर से कहा गया था, इनको, इनके मुंह पे तमाचा मारा था, बोला था आपके नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं आएंगे। और इन्होंने देखिए, वो सब जगह जाते हैं जैसे स्टार कैंपेनर, इधर नहीं गए। और एक बात आपको बता दूं, इस देश में इनका जो पॉलिसी इतने सालों से चल रहा, वो दो जात के लोगों के बीच में फूंक डाल के लड़ाई करके ये लोग सत्ते पे आए। आपको बता देता हूँ, गुजरात में रॉयट्स हुए, उसके बाद सेकेंड टर्म उधर आए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना रॉयट्स के बाद सरकार बने, देश में बाबरी मस्जिद टूटा उसके बाद ये लोग सरकार पे, इनका यही मंसूबा होता है कि देश में एक बार झगड़ा हो लगा दो, दो जात के बीच में झगड़ा हो जाए, को ये याद दिला दूं, लोगों का सेंटीमेंट भाई साहब को ये याद दिला दूं, कांग्रेस इस मुद्दे पर अगर बात करें, जो नीति है कांग्रेस की, जो नीति है वो कांग्रेस की नीति यही है कि वो जो मुसलमान लोग है, जो लघुमती के लोग है, उनको डराती है। सवाल यह है कि एक लाइन तो उन्होंने अलग चुन ली है, और खासतौर पर अगर आप बोल रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जो केवल तीन प्रांतों में, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में, उसके अलावा जेडीयू के अलायंस पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। उनकी अलग पॉलिसी है, उनकी अलग नीति है, उनकी अलग चुनाव की रणनीति है। बिहार, उनको श्रीनगर में चुनाव लड़ना, बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ते, अलग लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जो उनके साथ साथ देंगे वहां पे कभी साथ नहीं देंगे उनका। उनकी नीति को तीन प्रांतों के लिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी के हिसाब से उसकी नीति जो है अपने इस राष्ट्रीय मुद्दों को रख के बनती है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये माना है, चाहे सत्ता आए इन्हें या ना आए, इस राष्ट्र के गौरव की जो बात होगी उसको वो हमेशा निभाएंगे। और वहाँ पे गौरव की बात है, कॉन्फ्रेंस जो है एक बात था, फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एनडीए के साथ में सरकार में थे, जब उन्होंने इस तरह से काम नहीं किया था, उनके हुकूमत में क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भारत के लोगों, आज आप लोग उमर अब्दुल्ला को बुला बुला बोलते हो, आपकी सरकार झंडा फहराने का कोई विरोध नहीं है, लेकिन झंडा एक अच्छे वातावरण फहराया जाए, झगड़ा करके नहीं, वहाँ पे तूफान करके नहीं, दंगा करवा करके नहीं, कांग्रेस को लेकर साथ में लेके वहाँ के लोगों को लेकर झंडा फहराया, राष्ट्रीय सरकार है।
रहा है कि वहाँ पे दूसरा एंगल इस पे लेते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है इसके ठीक पहले आते हैं दिल्ली और गृहमंत्री से मुलाकात करते हैं। सीधी सी बात है कि उसके बाद कवायद की जाती है सबको रोकने के लिए, कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ रही है ये देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों आखिर वहां पर ऐसा सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं बनाया जा सकता कि झंडारोहण किया जाए और सब लोग वहां पर मौजूद रहे। जिसमें ऐसा यहाँ पे बीजेपी के लोग हैं जो माहौल खराब करते हैं, उधर भी उस तरीके के कुछ लोग बीजेपी की माहौल नहीं है, बीजेपी के साथ साथ वहाँ पे करते हैं। और वो लोग देखिए, उमर अब्दुल्ला ने वो एक टीवी शो में और न्यूज चैनल में बताया था, बोला एक 50 लोग कोई आया कुछ हुआ पूरे देश में इसका। लेकिन सवाल है कि मशीनरी आप लगा रहे हैं, आप उनको रोकने के लिए मशीनरी लगा रहे हैं, वो मशीनरी जो है वहां पर झंडा रोहण के लिए क्यों नहीं लगाया जा सकता? देखिए वो पे उधर की सरकार की जो झंडा वंदन हो ही रहा है, इनके में इनके जो माननीय लालकृष्ण आडवाणी क्यों नहीं जाते? आप ये सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है कि वहां पर बीजेपी जा रही है और इसलिए बीजेपी इसको इश्यू बना के जा रही है। आप ध्यान में वो लीजिए, इनके 5 साल की बीजेपी राष्ट्र को जागरूक करके वहां जा रही है, ये इनको तकलीफ है कि हम सारे ये लोग कि हिंदुस्तान आपका अविभाज्य अंग है, आप झंडा ले रहा है, तिरंगा ले रहा है, और इस देश की कोई भी जगह हो जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको तिरंगा लहराएंगे। आपको तिरंगे से प्यार नहीं है, इसके लिए आप उसको अटका रहे हैं। सवाल यह है कि आप एक और तिरंगे से और रोक सकते हैं, यासीन मलिक को नहीं, सभी लोगों को अटका रहे हैं। इसके विरोध करने वाले सारे लोग जो है, मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्र को जो प्रेम नहीं मिलता वो उसका विरोध करता है, राष्ट्र का विरोध रोकना चाहिए, राष्ट्र को जो प्रेम नहीं यहाँ पर। गोरखनाथ जी बोल रहे थे कि यहाँ पर वहाँ पर यासीन मलिक हैं और इसलिए जो है सरकार ये सब नहीं चाहती। सवाल यह है कि इतनी मशीनरी वहाँ पर बीजेपी को रोकने के लिए लगी है, क्या यासीन मलिक को रोकने के लिए नहीं रखी? क्योंकि वहाँ सुने एक मिनट, क्योंकि वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला को अपने चुनाव की राजनीति करना है। यासीन मलिक जो है कट्टरपंथियों का लीडर है, जो वहाँ पे दंगा फसाद करवाता है, तो जो फारूक अब्दुल्ला है उनके जो लड़के जो हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि अगर दंगा फसाद होगा तो उनका वोट बैंक खसकेगा, तो अपने वोट बैंक बचाने के चक्कर में बीजेपी अपना वोट बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पे वोट बैंक की लड़ाई है। मैंने तो यही है कि यहाँ से अगर राजनीति हो रही है तो राजनीति उधर से भी हो रही है, क्योंकि वो अपना वोट बचाने के सरकार बचाने के चक्कर में पड़े हुए वहाँ पे। राष्ट्र जो है, कश्मीर जो है, वो राजनीति से पर है, राष्ट्र की नीति है ये। आप ये बताइए कि आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आज कांग्रेस इस देश के अंदर सत्ता पे है, और जब जब कांग्रेस सत्ता पे रही है यहाँ पे आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी तत्वों को खुला मैदान मिल जाता है। आप अगर नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए नरेंद्र मोदी के समय में कितने दंगे हुए, कितने बॉम्ब विस्फोट हुए, क्या हुए? आज अगर आतंकवादी उनको पकड़ के चुन चुन के सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों को अगर चुन चुन के चैलेंज दिए, आतंकवादियों को अगर चुन चुन के चैलेंज दिए तो वो नरेंद्र मोदी ने दिए। आज नरेंद्र मोदी ने दिए आतंकवादियों को चुन चुन के चैलेंज, आप क्या करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में? आपका काम ही नहीं है, आपका काम ही नहीं है। आपके कल्याण से लॉ एंड ऑर्डर की बात पूछिए। जनता अगर जनता हमें सत्ता से दूर रखती है, नदी कल्याण सिंह से आप परवाह नहीं है, इस राष्ट्र का चिंतन करना ये हमारी परवाह है, राष्ट्र को गौरव दिलाना ये हमारी पार्टी के लिए से हमने लेकिन सवाल यह है आपसे समर्थक है, लोग आपके साथ है, आपका सरकार लोग आपके साथ विरोध है, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार। देखो कांग्रेस का भ्रष्टाचार और अभी राष्ट्र विरोधी नीति, ये तीनों कांग्रेस को सत्ता दे राजनीतिक राजनीतिक फायदे की अगर बात करें तो बीजेपी ये जो कवायद है वो किस तरह का राजनीतिक फायदा दे सकती है? अब्दुल्ला का फायदा है, यहाँ पे बीजेपी अपना फायदा लेना चाहती है। कोई राजनीतिक फायदे की बात नहीं है, ये सिर्फ एक
राष्ट्र को गौरव दिलाने की बात है, ये राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। आज 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 होना क्या चाहिए, आज होना क्या चाहिए, आज होना क्या चाहिए, जो तिरंगा लहराने वाला है उसको प्रोटेक्शन दिया जाए या उसको आप तुरंग में डालेंगे, क्या होना चाहिए? लेकिन आपको लगता है कि आतंकवादी है उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं? आज आपको बिरयानी खिला रहे, आप कसाब को बिरयानी खिला रहे, राष्ट्र को ये किया। आज 12-15 विधानसभा की सीटें जीतने के बाद इनको लगता है कि अफजल गुरु को आप फांसी नहीं दे रहे राजनीति। आज अफजल गुरु को आप बिरयानी खिला रहे, कसाब को बिरयानी खिला।